अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में पहले इसकी डिस्कशन कर ले। सब उल्टा उसका निकला कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है ये तेजी से होता है, उसके तुलना में तेजी से होता है, टाइम कम लगता है, समय कम लगता है, और इस प्रक्रम में एक ही बार क्रिया होती है। अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक नहीं गया, उसका तीर ही होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इससे मैंने समय बहुत कम लगता, बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया होती है। जैसे मान लो कि दूध से दही बनना, दूध को फटना, समझ रहे हो, तो एक घंटा में दही जम जाए, एक से दो आग लगना, धीरे धीरे लग रहा ना, माचिस से जलाना ये बहुत टाइम लगता है, उसमें खरखोच कर रख लो या सुंगा कर रखा दो तीन घंटे बाद तेजी से होता है क्रिया। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तेजी से होता है, प्रक्रम में समय कम लगता, समय कम लगता है, यह प्रक्रम केवल एक ही दिशा में होता है, दिशा में आइसक्रीम प्रक्रम जानते हो ना, आभासी होता है। अभी आभासी नया शब्द आ गया, पूछा कहा होता है सर जी आभासी, ये मनुष्य नहीं काम करता है, वास्तविक मतलब मनुष्य कार्य करता है, आभासी का मतलब अपने आप होता है। अब दूध से दही जमा कर जाए कह ये जान दो ही दूसरा दही में बदलता जमे का ना ऑटोमेटिक इधर भाई दूध में कह गए दूध महाराज, दो घंटे में दही में बदल जाओ, हमारे मौसी के लड़का का लड़का आने वाला खिलाने वाला, उसको दूध चूड़ा खिलाने वाला जीतिया को दूध, ये थोड़ा होता, वो अपने आप जमेगा जितना टाइम में जमेगा, ये थोड़ा बकरे वो पट जा रहा है उसका नंबर अधिक करके तो घर में आग लग गया ना, वो ऑटोमेटिक ये क्रिया सब ऑटोमेटिक होती है ना, हमारे साहब नहीं लगे जो अपने आप होता है उसको, लेकिन हाँ उदाहरण ना याद हुआ का जी, ये सब ठीक है, ऐसा टीचर कभी मिले दूध से दही लकड़ी का जलना